तनियांसम पांसुम तव चरण पंके दूह भवम विरिंचिः संचिन्वन् विरचयति लोकान विकलम वहत्येनम शौरिः कथमपि सहस्त्रेण शिरसाम हरः संक्षुब्धे न भजति भसितो धूलन विधिम। अभी तक हमने जो बात की है कि भगवती आपके कमल चरणों से जो ब्रह्मा हैं वो भी धूल लेकर माइन्यूट पार्टिकल्स लेकर जो है वो क्रिएशन करते हैं। अब इसमें भी ट्रिनिटी का ही जिक्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कह रहे हैं वो क्या है कि आप ही के चरणों से जो है आप ही के चरणों से धूल लेकर ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं और सहस्त्र शीर्ष है जिनके हरि शौरि वो सस्टेन करते हैं, आप ही की शक्ति से वो सस्टेन करते हैं और अंत में जो ब्रह्मा की क्रिएशन है जब वो मिट्टी में मिल जाती है और राख बन जाती है उसी राख को संहार के देवता शंकर जो हैं वो अपने शरीर पे लगा लेते हैं। तो ये यहां पे जो सौंदर्य लहरी है वो हमें इंडिकेट करता है अबाउट द क्रिएशन सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन है ये जो पूरा वर्ल्ड हमें दिखाई देता है ये पार्टिकल से बना हुआ है और इसको एक दिन खत्म होना है, लाइफ का एक साइकिल है। हमारी पिछली बार भी बात हुई है, दीवार है या मैं हूं या आप हैं, हमारा जीवन है, हम खत्म हो जाएंगे है ना, और खत्म होने के बाद में हम मिट्टी में मिल जाएंगे और माइन्यूट एटम जो है माइन्यूट कण जो है जिससे हम बने हैं वो जब माइन्यूट एटम माइन्यूट कण जिससे हम बने हैं वो डिस्ट्रक्ट होगा तो हम एशेज में बदल जाएंगे। जीवन की तीन स्टेजेस हैं, जन्म मृत्यु और बीच का जीवन। तीन ही हमारे देवता हैं और तीन ही देवता जो हैं वो मान्य हैं प्रत्येक जगह पे प्रत्येक स्थान पे। सेल के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो जरूर दूंगा। तो ये यहां पे आदिगुरु शंकराचार्य जो हमें कहना चाहते हैं वो ये है कि भगवती आप ही के कारण ये क्रिएशन हो पाती है, ये डिस्ट्रक्शन हो पाती है, ये सस्टेनेंस हो पाती है। जब हम दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, दुर्गा सप्तशती में जो प्रथम अध्याय है उसमें क्या कहा जाता है। अब पिछली वीडियो में हमने बात की कि हमारा जो बॉडी के अंदर सस्टेनेंस है, जो क्रिएशन ऑफ सेल है, उसके बाद में सेल जो है डिवाइड होते हैं और फिर नया सेल क्रिएट होता है, ये सब बातें हमने की। तो ये बात भी साथ में हुई कि वो जो सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रोटीन काइंड ऑफ जेली काइंड ऑफ वो होता है, वही हमारा डीएनए बनाता है और वही हमारा आरएनए बनाता है। अब डीएनए और आरएनए क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि सौंदर्य लहरी के रास्ते से हम वेदों की तरफ भी जा रहे हैं। नासदासीन नो सदासीन तदानीम नासीद्रजोनो व्योमा परोयतः किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम वह किमासी गहनंग भीरम। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं है ना, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं, छुपा था क्या, क्या छुपा था, किसने ढका था इस सृष्टि को, किसने ढका था। तो ये सब बातें भी हम करेंगे। तो जीवन के तीन मुख्य स्टेजेस हैं, जन्म जीवन बीच का सस्टेनेंस और उसके बाद डिस्ट्रक्शन और उसके बाद फिर एक नया स्टार्ट।
तो जब दुर्गा सप्तशती की हम बात करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में जब देवता पहले किन के पास जाते हैं, विष्णु के पास, है ना। जब भी हम बात करते हैं कि भाई सस्टेनेंस, बचाव, है ना, तो किसके पास जाते हैं, विष्णु के पास। अब विष्णु कौन है, भंडारी, विष्णु कौन है, सस्टेनर, विष्णु कौन है, विस्तार, विष्णु कौन है, जिनके सहस्त्र शीर्ष हैं, शौर्य, उनको शौर्य ही कहते हैं। जैसे ब्रह्मा को विरिंची कहते हैं वैसे ही इनको, विष्णु को शौर्य ही कहते हैं। तो वो शौर्य जिनके सहस्त्र शीर्ष हैं, वो आपकी ऊर्जा के कारण सस्टेन कर पाते हैं। अब जब सस्टेनेंस की बात होती है तो उसके पहले क्रिएशन भी होती है। जब दुर्गा सप्तशती को हम इससे जोड़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में जब ये जाते हैं देवता उनके पास में, विष्णु के पास में, तो क्या कहते हैं वो, तब किसकी आराधना करते हैं वो, किसको कहते हैं कि भगवती आप कृपा कीजिए। वो कौन है, वो योग माया है, वो योग माया, वो योग निद्रा, वो निद्रा, वो शक्ति, वो माया रूपी शक्ति। अब उसमें दुर्गा सप्तशती में आनंद लहरी, ये सौंदर्य लहरी का पाठ है आनंद लहरी, इसके साथ साथ हम और भी मतलब जोड़ते जाएंगे। केवल इस स्तोत्र को समझना है तो हमें बहुत विस्तृत रूप से इसमें जाना होगा। तो दुर्गा सप्तशती में भी जब बात होती है कि हे विष्णु आप निद्रा से जागिए, हे भगवती आप इन्हें इन, इन, आप योग माया हो, आपके कारण ही सब हो पाता है, है ना। जो मधु कैटभ को मारा जाता है वो माया के कारण मारा जाता है। वो ऋषि कहते हैं कि पंछी जो होता है वो अपनी चोंच में दाना फसाए रखता है और जाके अपने बच्चे को खिलाता है, खुद नहीं खाता है। तो वो क्या है, वो सस्टेनेंस है, वो क्या है, वो माया है। यदि एक माँ, है ना, एक पिता, उसके बच्चे पे कोई बात आ जाए तो वो क्या करता है, वो अपने प्राण बाजी पे लगा देता है। परंतु उस प्राण बाजी पे लगाने के पीछे का एहसास क्या है, वो क्या है, वो है सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, वो है माया, जिसे वेदांत माया कहता है, जिसे वेदांत सृष्टि की उत्पत्ति कहता है। यहां वही बात होती है कि आपके चरणों से ही क्या लेते हैं, धूल लेते हैं, और आपके कारण ही जो है विष्णु जी सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है, उस धूल को बढ़ाते हैं, उस धूल की जो सृष्टि है, ये सृष्टि बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, तो उसको सस्टेन करते हैं। और उसी की डिस्ट्रक्शन के बाद, उसी की डिस्ट्रक्शन के कारण, उसी की डिस्ट्रक्शन होने पर उसी राख को, वो जो राख बन जाती है, उसको शंकर जो है अपने शरीर पे लगा लेते हैं। धाम धीम धूम दूर जटे, कुंजिका में क्या कहते हैं, धाम धीम धूम दूर जटे। जो मित्रों ने कुंजिका के बारे में नहीं सुना है वो जरूर सुने, पूरी प्लेलिस्ट है उसमें धाम धीम धूम दूर जटे के बारे में, आदि शिव के बारे में जो बात हुई है वो जरूर सुने। थोड़ा सा मैं इसमें प्ले कर दूंगा, वो भी आप जरूर देखिए। धाम धीम धूम दूर जटे, दूर जटे कौन है, शिव का वो आदि रूप जो जटाओं वाला है, जिसे हम जटाजूट कहते हैं, वो योगी शिव, वो सर्व विद्यमान शिव, वो हर जगह प्रेजेंट शिव, वो आपके अंदर बैठे हुए शिव, मेरे अंदर बैठे हुए शिव, वो शिव जो आदि योगी है, वो शिव जो आदि रूप में अनंत है। तो सुनिएगा और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो विष्णु सस्टेनर है और शिव जो है वो डिस्ट्रक्टर है, यानी वो शंकर शांकरी के साथ में डिस्ट्रक्ट करते हैं। और वो ही शिवः शक्त्या युक्तो, जो आदि शिव हैं और आदि शक्ति हैं,
शिव शव थे, ई बना, एनर्जी आई और शक्ति हुई। जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मा आप ही के चरणों से धूल लेते हैं, तो धूल क्या है? जब हम नासदासी नोसदासी तदानीम नासित्रजोनो व्योमा परुयतः, है ना, किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासी गहनंगभीरम, इसके बारे में बात करेंगे, अच्छी वीडियो आपको दूंगा इसके बारे में। तो और ऋग्वेद के जो नासदीय सूक्त है, इसमें जो प्रश्न है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम एटम की थ्योरी पे बात करेंगे। और एटम ही बेसिक पार्टिकल है, अकॉर्डिंग टू साइंस भी एटम ही बेसिक पार्टिकल है। कितने सारे एटम मिलके एक सेल बनाते होंगे, एक मॉलिक्यूल बनाते होंगे। एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से ही सेल बनता है और सब्सटेंस बनता है, ऐसे समझ लीजिए। तो एटम इज द मोस्ट माइन्यूट पार्टिकल। और वो धूल कहां से आई है? भगवती के चरणों से। ब्रह्मा कितने बड़े इंजीनियर होंगे सोचिए, ब्रह्मा से बड़ा कौन इंजीनियर होगा? आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, सभी की बॉडी, सभी चीजें सेल से बनी है। उसी सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है, उसी के अंदर हमारा आरएनए होता है, उसी से हमारे बाल, आंखें, वो जो फोटो फ्रेम होता है हमारा, ये बोलीजिए हमारा बीज होता है, वो वीर के एक कण में होता है। सोचे आप, वीर के एक कण में भी वो सेल, वो एटम होता है, वो एटम होता है जिससे सेल बनता है। और एक एटम से शुरुआत होती है सेल की, और वो धूल रूपी ही है। जब नसीद्रजोनो व्योमा परोयतः की बात करेंगे तब रज की बात करेंगे, और रज भी यही है, ठीक है। रज को स्त्री का जो है वो भी माना जाता है, क्या बोलेंगे उसको, मासिक स्राव जो है उसे रज माना जाता है, और रज को धूल का कण भी माना जाता है। तो वो एक धूल से ब्रह्मा ने अपना कार्य किया, कितने बड़े इंजीनियर होंगे। अब मेरी उत्पत्ति हुई, आपकी उत्पत्ति हुई माता और पिता से हुई। माता और पिता को आप किडनी दे सकते हो, आप इवन आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी संभाला जाने लग पड़ा है। परंतु आप अगर सपोज इट मुझे किसी कारण से स्किन की जरूरत पड़ जाए, तो सर्जन मेरी स्किन ही यूज कर सकता है। सोच के देखें, सर्जन मेरी ही स्किन यूज कर सकता है। मेरे माताजी, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरी बहन, किसी की स्किन मुझसे मैच नहीं करेगी। वो एक सेल हर एक इंसान की कैसी आइडेंटिटी है, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे ही वो सेल का भी तो नंबर होगा ना। अब उस नंबर को समझें आप, इसको आप, बहुत फिलोसॉफिकल सा लगता है परंतु क्या करें बोलना पड़ेगा। एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हाँ भैया तुम 1215, हाँ हाँ जी आप 1316, है ना, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर एक सेल ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब वो बन रहा है, वो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके द्वारा, एक स्पर्म काउंट के द्वारा एक नई आइडेंटिटी तैयार हो रही है गर्भ में, एक नई आइडेंटिटी तैयार हो रही है गर्भ में। अब इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात, सौंदर्य लहरी में जाने कितने रहस्य हैं जो ऐसे ही खुलेंगे, नासदीय सूक्त में ना जाने कितने रहस्य हैं जो ऐसे ही खुलेंगे। ये ग्रेविटी है, मैं उड़ नहीं रहा, है ना, उड़ नहीं रहा, कोई उड़ नहीं रहा, ये ट्राइपॉड पड़ा है ना,
हमें ग्रेविटी परस्पर नीचे खींचती है, उसी के कारण हम चल पाते हैं, उसी के कारण हम स्टेबल हैं। परंतु गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसके पास ऐसी कौन सी एंटी ग्रेविटी पावर होती है कि वो समय से पहले खुद ही गर्भ से गिर नहीं जाता। गर्भ से गिरने का अर्थ उसकी उत्पत्ति नहीं हो जाती, वो उस पर ग्रेविटी प्रभाव क्यों नहीं कर पाती है, ये सोच के देखें आप कि उस पर ग्रेविटी प्रभाव क्यों नहीं कर पाती है। एक सेल एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गया, अब वो बढ़ना शुरू हो गया। अब उस आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो है, देखिए ये खड़गम चक्र गदेशु चाप परिघाम छूलम भुषुंडिम शिरः शंखम समदतिं करे स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषावृताम, है ना। चक्र ये यहां पे ये तीनों चारों चीजें कैसे मिलती हैं। चक्र, चक्र क्या है? भगवती के हाथ में चक्र है, कर्मों का फल है, कर्म है, कर्मों का चक्र है। व्यक्ति मरता है, जीवन लेता है, फिर उसके बाद सस्टेनेंस आती है और वही शक्ति सस्टेन करती है, किसी भी रूप में करे, विष्णु के रूप में करे, जिनके सहस्र शीर्ष हैं, जिनसे हम आए हैं और जिनमें मिल जाएंगे, है ना। तो वो जो सस्टेनेंस है, वो गर्भ की जो सस्टेनेंस है, उसके बाद हमारे जीवन की जो सस्टेनेंस है, जितने श्वास उस ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है 1215 1316, है ना, सुनते हैं ना कि किसी और ही जहान से यम आए और किसी को गलती से ले गए, तो वो क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर ही तो होगा ना। अब हर एक व्यक्ति का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गया, उसके बाद उसे सस्टेनेंस मिलनी है और उसी का जो है एंड होना है, और वो उसी का एंड होना है। क्यों? क्योंकि उसी का जो है वो सस्टेनेंस हुई है, उसी की क्रिएशन हुई है। अब इसका चक्र से, विष्णु के हाथ में भी चक्र है, चक्र से क्या संबंध है, कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये जो है ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्रिएशन करते हैं, और कैसे हमारी तीनों स्टेट्स हैं जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस हैं, और ट्रिनिटी कैसे हमारे बीच प्रत्येक समय में काम करती है, ये लाइफ साइकिल है। तो इसी के बारे में बात हो रही है कि हे भगवती, ब्रह्मा उस कण से एक क्रिएशन करते हैं, विष्णु उसे सस्टेन करते हैं, और अंत में उसी का अंत होने पर जो राख है, जो भूभूत है, जो धूल बनती है, उसको शिव अपने शरीर पे लगा लेते हैं, तभी वो भस्मधारी हैं। अब उसके बाद विष्णु ने सस्टेन कर दिया, उन्होंने शरीर पे लगा लिया, ऐसे ही हमारा जन्म होता है, ठीक है, हमारा जन्म होता है, हमारा सस्टेन होता है, फिर डेथ होती है, फिर हम राख में तब्दील हो जाते हैं। कोई दबाता है, दफनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये ऐसा नहीं है कि हम अगर जलाते हैं तो कोई और दफनाता है तो वो गलत है, वो भी एक तरह से हम सृष्टि में ही मिल जाते हैं, उसी को वो मिट्टी में मिल जाता है, वो मिट्टी में राख हो जाता है, और उसी राख को कोई जल में बहाता है, कोई किसी तरह से करता है, कोई गंगा में बहाता है, कोई कहीं जो है उसका एशेस जो है वो करते हैं, ठीक है। जैसे कोई कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा कि मेरी राख को जो है वो आप सब जगह वो स्कैटर कर दीजिएगा, मेरे देश में स्कैटर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही हम उसी राख से, वो पानी में चली जाती है वही राख, अच्छा अगर हम उस राख को भी चेक करवा लें तो कितने पोटेशियम फास्फोरस यानी कितने
कितनी चीजें उसमें होंगी, और एटम वहां भी खत्म नहीं हुआ है, एटम वहां भी खत्म नहीं हुआ है। जहां पे हमारा जीवन खत्म हो जाता है वहां वो ही खत्म नहीं होता, एटम खत्म नहीं होता, उसके अंदर भी जो केमिकल्स हैं या बोल लें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में नाइट्रोजन फास्फोरस यानी कितने प्रकार के जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर बोल लीजिए किसे कितने प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, उनका भी तो एक एटम है और वो जीवंत एटम है, वो मृत एटम नहीं है। वो जब किसी भी कनेक्शन में जाएगा, जैसे जल है ना, जल में, अब वो ही तो क्रॉप्स में न्यूट्रेंट बन जाएगा, वो ही तो जल का जो है वो प्रभाव मिल जाएगा, और उसी प्रकार से वो मिट्टी में जब मिलता है तो मिट्टी के अंदर ही मिट्टी हो जाता है, और वो क्या है, धूल जटे, वही तो है राख लगाने वाले भगवान शिव।